किया था भाई, ओ भाई, ओ भाई, झलक दिया, एक सख्त चरण झलक दिख दिया, क्रेजी ने झलक, ओ भाई, तो मार देगा रे, काट देगा आज, साला दम निकाल दिया, ओ भाई, क्या बताऊँ, बुझा जा रहा, देख चो भाई की फीलिंग्स, ये एक तो दिया जाए ना कारण झटका, हाई वोल्टेज 420 दे दीजिए, ओ भाई, की अवस्था, ओ भाई, गिले उड़ी दीजिए, भाई, तो टेस्टिंग टाइम शुरू होलो। हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त हैशटैग बॉसलवर। तो आज एक नया वीडियो लेके, इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। तो आप लोग को, सब लोग को मालूम है जब डीजे पावर ने डीजे सार्जन को ओपन चैलेंज किया, पावर ने डीजे सार्जन को ओपन चैलेंज किया कंपटीशन के लिए, वो भी 2 महीने के अंदर। तो पावर म्यूजिक ने जब बोला सार्जन को कंपटीशन करने लिए, तो एक्सेप्ट किया सार्जन ने, लेकिन कंपटीशन के लिए नहीं। आप लोग को मैं दिखाऊंगा, जो इधर देखो क्या क्या लिखा है सार्जन भैया ने, देख सकते हो, देख रहे हो ना, भैया बोल रहा है कंपटीशन करने लाइव आने के लिए, दोनों लाइव आएंगे, लाइव आने से दोनों को बातचीत होगा, बातचीत से कंपटीशन होगा, तो नहीं भी हो सकती है भैया। तो आप लोग को पहले मैं वीडियो दिखाया पावर म्यूजिक का, थोड़ा सा टेस्टिंग वीडियो, टेस्टिंग वीडियो में सब लोग को हिला डाला, थोड़ा सा टेस्टिंग वीडियो में सब लोग को हिला डाला। तो फूल होगा तो क्या होगा, स्पीकर से घोना था तो भाई मालूम नहीं मेरे को क्या हो गया था, इधर क्या हो जाता था। तो ठीक है, छोड़िए वो सब बात छोड़िए, तो कंपटीशन क्यों बंद हुआ है, ठीक है वही टॉपिक में आ रहा हूँ। तो कंपटीशन क्यों बंद हुआ है, तो कंपटीशन बंद हुआ है, तो एक क्लिप आपको दिखा रहा हूँ, तो देखो। तो आप लोग देख सकते हो पुलिस के साथ डीजे सार्जन भैया भी आ रहा है। तो देखो भैया, कंपटीशन की आगे की बात, कुछ थोड़ी देर की आगे कंपटीशन बंद होने के लिए पहले ही बात है, तो डीजे सार्जन के साथ पुलिस आ रही है। ठीक, देखो भैया सब लोग को कैसे भगा रहे हैं, लेकिन सार्जन भैया को छोड़ के देखो। तो वही बात मेरे मन में खुट रही है जो क्यों ऐसे हुआ है। ठीक है भैया, अपने क्लिप देखा तो क्लिप का कितना साज है मेरे को नहीं मालूम है, तो और एक वीडियो दिखा रहा हूँ आपको, वो भी कितना साज है मेरे को नहीं मालूम है। तो कंपटीशन बंद होने के बाद देखो भैया का, देखो तो सार्जन भैया का मैं बहुत बड़ा बिग फैन हूँ, तो भैया को मैं व्हाट्सअप में मैसेज करता हूँ, तो भैया का थोड़ा सा रिप्लाई भी अभी तक नहीं आया है। तो पहले एक बार आया था, तो जो मोटो में गया था भैया का साथ बात हुआ था मेरा, तो जो पट्टा मुंडा गया था उधर भी बात हुआ था, तो लेकिन भैया ने जो बात बोला तो चिटिंग फिटिंग और वेस्ट बंगाल को जो गलत बोला, तो वही बात मेरे को बुरा लग रहा है। तो भाई गलत बोलो तो पावर म्यूजिक को बोलो, गलत हो भी ना हो तो उसको बोलो, तो वेस्ट बंगाल को मत बोलो भाई, वेस्ट बंगाल ने पावर म्यूजिक को बोलो। ठीक, हम लोग तो कुछ भी नहीं किया, हम लोग तो बक्सलाबार हूँ, आप लोग का दोस्त हूँ। ठीक है भैया, हम लोग किसी का भी दुश्मन नहीं है भैया, पावर का भी दोस्त हूँ, सार्जन का दोस्त हूँ। तो इस भाई बात को मेरे को बहुत गलत लगा भाई। तो वीडियो क्लिप देखिए, लेकिन ये तो नहीं बताया था कितना स्पीकर का, तो पहले बोलता था स्पीकर वो जब कमिटी से बात हुआ है कि हमारा बॉक्स में कितना चौड़ा होगा, भाई थोड़ा जोर से बोलिए, बोला था कि हमारा 32 की होगा, बॉक्स की होगा 44 का, इससे कोई बात नहीं है कमिटी का। भाई ऐसा सुनने में आ रहा है कि 44 फीट लगाए, ये 44 फीट नहीं, सुनने में आया था 32 फीट का। जैसे भैया भैया हमारा सेट का बात हुआ है कि इतना बड़ा सेट की 32 फीट के आसपास इससे बात हुआ, किसी कमेटी से ऐसा मोटर ये 32 फीट आएगा, हमारा इससे बात नहीं हुआ। अच्छा, कमेटी से आपका फीट को लेके कुछ बात नहीं हुआ,
चलिए भैया का साफ साफ बोल दिए कि भैया का कमेटी से चौड़ाई को लेके कुछ बात नहीं हुआ है, बस कंपटीशन हैवी होने वाला है ये बात हुआ है। हेलो भैया, तो आप लोग ने सुना जब पावर म्यूजिक का मालिक और बीएम रिमिक्स ने क्या बोला, तो कमेटी के मना जरूरी नहीं था जब 32 फीट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी पावर म्यूजिक मना लगा रहा था सेटअप, तो तब भी कमेटी बोलना चाहते ना भैया आपको 32 फीट लगाना चाहिए था तो आप ज़्यादा क्यों लगा रहा, तो कमेटी ने नहीं बोला, ठीक है भैया, तो जरूरी नहीं था। तो भैया सर्जन भैया को और फिर भी मैं कुछ दोस्त लोग को मैं बोलना चाहता हूँ, जे भैया कुछ लोग बोल रहा है जे पावर म्यूजिक ने ठेला गाड़ी लेके गया था, भाई ठेला गाड़ी वो नहीं है भैया, वो ठेला गाड़ी नहीं, वो ठेला गाड़ी जो आप बोल रहे हो ना भैया, वो भैया हमारा यहाँ दूबोत को खाना देती है, ठीक है भैया। वो ठेला गाड़ी का जितना बड़ा दम है ना भैया, तो एक लारी में भी दम नहीं है भैया, हाँ समझ लो, ये लारी में एक दम नहीं है। तो आप जिसको भी पूछोगे ना, तो वो ठेला गाड़ी नहीं है भैया, ठेला गाड़ी मत बोलो भैया, वो ठेला गाड़ी तो दो बत का खाना देती है भाई, ठीक है, किसी का संसार चलती है इधर फैमिली, ठीक है भैया, तो मत बोलो, ठीक है। तो वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ, तो फिर कंपटीशन होगा तो आप लोग के सामने मैं आप जरूर वीडियो लेके आऊँगा, तो कोई भी गलती हो जाए तो हिंदी तो मेरा को नहीं आती है, तो थोड़ा आती है, जो भी आती है तो आप लोग को मैनेज कर लेना, तो गलती हो जाए माफ़ कर देना, थैंक यू, बाय बाय, आती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो मज़ेदार वीडियो जमदार वीडियो लेके। आप लोग देख सकते हो पावर म्यूजिक ने थोड़ा सा साउंड दिया, थोड़ा सा वॉल्यूम दिया, उस वॉल्यूम में तो रिएक्शन था पब्लिक का कैसा देख लो, तो इधर कितना ज़्यादा बक्स लवर ने आ रहा है, तो देखो भैया, तो इधर मैं वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ, तो वीडियो में और कुछ भी गलती हो जाए तो माफ़ कर देना भैया, तो कुछ भी और भी मज़ेदार इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने में लेके आऊँगा, तो थैंक यू, बाय बाय।